फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 68, जहां पर हम नरेशन को आगे बढ़ाएंगे। बट इस लेसन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। लेसन नंबर 67, जहां पर मैंने नरेशन की स्टार्टिंग की थी, उसको वॉच करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि उस लेसन में मैंने आपको बताया कि नरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, आपको नरेशन समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप लेसन नंबर 67 को वॉच कीजिए और उसके बाद इस लेसन को देखिए, ताकि आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएं। अब फ्रेंड्स, आपको याद दिलाते हैं कि लेसन नंबर 67 में मैंने आपको कुछ एग्जांपल देकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में अंतर बताया था और कुछ रूल्स आपको बताए हुए थे। उसी लेसन को या उसी एग्जाम्पल को लेकर आगे बढ़ते हैं और इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था और मैंने आपसे कहा था क्या कि सैड टू मी यू आर अ गुड प्लेयर। ऐसा एग्जांपल मैंने आपको लेसन नंबर 67 में बताया था और क्या लिखा था, ही सैड टू मी यू आर अ गुड प्लेयर। आज उसी एग्जांपल को मैंने फिर से लिखा है, जहां पर सेंटेंस में दो पार्ट है। एक तो हमारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले लिखा है, और दूसरा हमारा क्या हो गया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट। इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर का पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, और इसको क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां पर माइंड कीजिए, ये जो ही था ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। सैड क्या कहलाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो मी था वो हमारा क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब हमें इसको अगर इनडायरेक्ट में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, वो सारी चीजों को आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी कर लेना है। फिर हमें ये देखना होगा कि अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो सेट टू को हम लोग क्या करते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। इसके ठीक बाद इस रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को आप कॉपी कर लीजिए। और इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या रखा था, दैट रखा था। पर आपको माइंड ये करना है कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से हो, तभी आपको ऐसा करना है। अब इसके ठीक बाद हमें सब्जेक्ट को ऐड करना होगा। सब्जेक्ट को ऐड करने के लिए जितने भी प्रोनाउन इस सेंटेंस में आए, यानी रिपोर्टेड स्पीच में आए, उसका इनसे रिलेशन बनाइए। अगर रिलेशन बन जाए तो उस प्रोनाउन को उस रिलेशन के अकॉर्डिंग ही यूज कीजिए। तो इस यू का रिलेशन किससे बन गया, मी से। जैसे सोचिए कि कोई लड़का मेरे पास है और वो कहे कि यू आर अ गुड प्लेयर, तो खिलाड़ी कौन हो जाएगा, मैं हो जाऊंगा ना। और इसी बात को अगर मैं आपसे बता रहा हूं, तो मैंने आपसे क्या कहा, ही टोल्ड मी दैट, खिलाड़ी कौन हो गया, मैं। यानी यहां पर जो खिलाड़ी था ये क्या था, मी था। तो इसके लिए मुझे क्या रखना होगा, आई। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आर का प्रयोग किया गया हो, रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में हो, तो इज एम आर को किस में बदल देते हैं, वॉज या वर में। तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वॉज। और फिर क्या करेंगे, अ गुड प्लेयर। बस अब आप ध्यान से देखें तो जो ऊपर का स्टेटमेंट था ये कहलाएगा हमारा क्या, डायरेक्ट स्पीच, और इसको चेंज कर दिया हम लोगों ने किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। फ्रेंड्स, इस लेसन को हम लोगों ने पहले भी देखा है और इसमें एग्जांपल जो मैंने लिखा है इसको पहले भी समझ के रखा है। अब फ्रेंड्स, जो एग्जांपल मैंने लिखा है उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में यहां पर ध्यान दीजिए तो एक ही प्रोनाउन मैंने यूज किया है, इसमें कुछ और प्रोनाउन को ऐड करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सेंटेंस सुनिएगा ध्यान से, ही सेड टू मी यू आर माय फेवरेट प्लेयर। अगर ऐसा सेंटेंस होता तब हमें क्या करना होता, यू आर माय फेवरेट, एफ ए वी ओ यू आर आई टी ई। तो सेंटेंस हमारे पास क्या है कि यू आर माई फेवरेट प्लेयर। अब ऐसा सेंटेंस अगर मेरे पास आ गया है तो इसको समझेंगे आप कि कोई लड़का है जो मेरे पास आया और उसने कहा यू आर माई फेवरेट प्लेयर, तो प्लेयर कौन है, अभी भी मैं हूं, लेकिन मैं फेवरेट किसका हो गया, उसका, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि आप मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। तो पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, मैं, लेकिन मैं पसंदीदा किसका हूं, उसका। तो सेंटेंस कैसे बनेगा देखिएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज, यू के लिए क्या रखा हमने, आई रख दिया। बट इस माई का जो रिलेशन है वो किससे बन रहा है, ही से। क्यों बन रहा है, क्योंकि मैं उसका, उसका मतलब किसका, इस लड़के का। तो ही का जो उसका होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। और इसके बाद सारी चीजों को कॉपी करना है, तो एफ ए वी ओ यू
आर आई टी ई। इस तरीके से हमारा सेंटेंस क्या बना कि आई वॉज हिज फेवरेट प्लेयर। अब पूरा सेंटेंस क्या बना, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फेवरेट प्लेयर। तो इसी तरीके से आपको देखना होगा कि जितने भी प्रोनाउन यहां पर आएंगे आपको सबका एक दूसरे से रिलेशन बनाना होगा, और जब तक आप इस काम को नहीं करेंगे, इस बात को नहीं समझेंगे, आपको नरेशन नहीं आने वाला। तो पहले समझिए कि मैंने आपसे क्या कहा था, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर माई फेवरेट प्लेयर, तो प्लेयर कौन हो गया, मैं, लेकिन किसका फेवरेट, उसका। तो मैंने इनडायरेक्ट में क्या बोला, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फेवरेट प्लेयर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अगर मैं इस ही की जगह लिख दू क्या सी, सी सेड टू, और इस मी की जगह मैंने क्या लिख दिया हिम, क्या आप इसका मतलब बता सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि कोई लड़की है जो किसी लड़के से बात कर रही है और वो क्या कह रही है कि यू आर माई फेवरेट प्लेयर। कोई लड़की थी जो किसी लड़के से बात कर रही है, सी का मतलब लड़की और हिम का मतलब क्या हो गया, कोई लड़का। इसको एक डायग्राम बनाकर समझते हैं। सपोज कीजिए कि कोई लड़की होगी, यानी ये क्या होगी सी, और ये कोई लड़का हो गया, यानी ये क्या हो गया हिम। ये हिम इसलिए है क्योंकि कहने वाली है, और ये क्या बन के आएगा ऑब्जेक्ट, कि जो लड़की है इस लड़के से कहती है और क्या कहती है कि यू आर माय फेवरेट प्लेयर, तो फेवरेट प्लेयर कौन, ये, लेकिन किसका, इसका। अब इस बात को ना कोई तीसरा व्यक्ति सुन लिया, मान लीजिए उसको मैंने सुन लिया, इन दोनों की बीच की बात थी और मैंने इसको सुन लिया। अब इस बात को, यानी इस लड़की ने जो इस लड़के से कहा था, इस लड़के ने इस बात को किसी से नहीं कहा, लेकिन मैंने सुन लिया कि उस लड़की ने उस लड़के से क्या कहा। तो मैं आपसे यही बताऊंगा ना कि सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम, यू आर माय फेवरेट प्लेयर। अब मैंने इसके सेंटेंस में, इसके वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो ये हमारा क्या कहला गया, डायरेक्ट कहला गया। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट करूंगा तो कैसे बोलूंगा, इसको समझिए। सबसे पहले मुझे क्या रखना होगा, सी रखना होगा, यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करना होगा, और उसके बाद क्या लिखेंगे, सेड टू को हटाकर टोल्ड, क्योंकि यहां पर हमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और फिर यहां पर क्या जाएगा हिम, तो सी टोल्ड हिम दैट। अब बताओ आपके प्लेयर कौन था, ये लड़का, ये लड़का यानी क्या हिम, और हिम का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा ही, तो यहां पर मुझे क्या लिखना होगा ही। अच्छा वो फेवरेट किसका था, इस माई का रिलेशन किससे बन गया, सी से, तो मुझे इस सी के लिए यहां पर माई की जगह क्या लिखना होगा, हर लिखना होगा। और मैं आपसे क्या बोलूंगा, देखिएगा ध्यान से, बोल रहा मैं आ रहा हूं, सी टोल्ड हिम दैट ही वॉज हर फेवरेट प्लेयर। और ऐसा ही सेंटेंस देखिए मैंने आपके सामने बना दिया है। तो ये थी हमारी क्या डायरेक्ट स्पीच, और ये बन गई हमारी क्या इनडायरेक्ट स्पीच। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को आगे बढ़ाने की, तो आपको अगर ये बातें समझ में आ गई होगी तभी जाके आपको आगे का वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर बात प्रोनाउन की करें तो वहां पर एक दो प्रोनाउन नहीं आ सकते, एक भी आएगा, दो भी आएगा, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं, और सबका एक दूसरे से रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा। और अगर रिलेशन ना बने तो आपको सेम कॉपी कर देना है। एक एग्जाम्पल देकर इसको भी मैं समझाता हूँ। जैसे अगर सी सेड टू, यहां पर हिम की जगह मी कर दिया मैंने, क्या लिख दिया मी, कि उसने मुझसे कहा। अब यहां पर यू को भी हटा देते हैं, आर को भी हटा देते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, सी सेड टू मी ही इज माय फेवरेट प्लेयर। अब ध्यान से देखिए कि इस ही का रिलेशन किससे बन रहा है, क्या इससे बन रहा है, नहीं, मैं तो खिलाड़ी नहीं हूं, क्या इससे बना, नहीं, वो अपने लिए अगर कहती तो वो यहां पर क्या यूज करती, आई, और मेरे लिए कहती तो क्या यूज करती, वो यू। एक्चुअली वो लड़की मुझसे बात तो कर रही है, लेकिन वो जो प्लेयर है ना वो किसको कह रही है, इसको कह रही है। तो उसने मुझसे कहा, ये मैं मी हूं, उसने मुझसे कहा कि वह मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी कौन है यहां पर, ये लड़का। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, सी टोल्ड मी दैट ही वॉज हर फेवरेट प्लेयर। अब यहां पर देखो ये इस ही का रिलेशन ना तो इससे बना ना इससे, तो इस ही को मैंने चुपचाप कॉपी कर दिया, और इस बात को आपको समझना होगा तभी काम बनने वाला है। अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, अब आपको दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करना है, जो बातें आपको समझ में ना आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कीजिए, ऐसा हो सकता है कि आपको एक बार में बात समझ में ना आए तो आप वीडियो को कई बार देख सकते हैं ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।
क्योंकि ये सारी चीजें अगर बनती होंगी तभी जाके आगे का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस या फिर परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो जाए तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को वॉच करते रहिए, मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।